બ્રેક બાદ બિગ ડિબેટમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે ગેસ્ટ પેનલ જોડાયેલી છે. હું કોમલને પૂછવા ઈચ્છીશ કે કોમલ, ફર્સ્ટ આપનું રિએક્શન શું છે? આપને લાગે છે કે આવી એડ જે કોન્ડમની એડ છે, ખાસ કરીને સની લિયોનીની, તેનાથી રેપ વધે છે? સી સંધ્યા, હું ત્રણ વસ્તુ કહેવા માંગીશ આ બાબત ઉપર. સૌથી પહેલા તો એમનું જે સ્ટેટમેન્ટ હતું કે એ સ્ટેટમેન્ટમાં જે ખોટું બોલ્યા છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવી છે સની લિયોની. સની લિયોની તો ખરેખર કેનેડા અને યુએસની પોર્ન સ્ટાર છે. સેકન્ડ થિંગ કે એ મને એ નથી સમજાતું, જેમ રુઝાન બેને કીધું કે એને સની લિયોનીથી વાંધો છે કે પછી એને એડથી વાંધો છે. અગર સની લિયોનીથી વાંધો છે એમને, તો એમ કહીશ કે શી ઇઝ એન એન્ટરટેનર. એ એનું કામ માત્ર કરે છે. જેમ એક સૈનિક ત્યાં બોર્ડર ઉપર બંદૂકથી ગોળી ચલાવતો હોય છે, આતંકવાદીઓને મારે છે, એનો મતલબ એ નથી કે એ મર્ડરર બની ગયો. એવી જ રીતે એ અગર લોકોને એન્ટરટેઈન કરે છે આવી વસ્તુથી, લોકોને ગમે છે આ જોવું આવી વસ્તુઓ, તો એમાં એમાં એને ખોટું શું કર્યું છે? જી જી. અને થર્ડ થિંગ, જે આમને જે ભાઈની વાત છે કે પરિવાર સાથે આવી વસ્તુઓ કેવી રીતે તમે કરી શકો, તો હું એમ કહીશ કે જેમ જમવું એ એક નીડ છે, જેમ ફૂડ એક નીડ છે, એમ એક એજ પછી સેક્સ પણ એક નીડ છે. તો ઈ નીડને કેમ તમે બેઝિક રીતે નથી જોતા? કેમ એને સામાન્ય નથી ગણતા? ઇટ ઇઝ અ નીડ, ઇટ ઇઝ અ નીડ. એને તમે કેમ આટલું બધું અશ્લીલતા તરીકે જુઓ છો? અમુક એજ વસ્તુ છે, અમુક એજ પરિવારમાં બધી એજના લોકો હોય, પરિવારમાં નાના બાળકો પણ હોય. તમે કીધું તમારી એક વાત હતી કે ભાઈ જેને ગમે, માની લો કે ટીવી જોનારા દરેક અમુક વર્ગ ને નથી ગમતું, 70% વર્ગ ને નથી ગમતું, એટલે શું એમને જબરદસ્તી જોવાનું? શાલિની, શાલિની આપનું રિએક્શન શું છે? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी जी कि रेप अपने आप में एक घृणित अपराध है, और ऐसे चीजों के पीछे वो भी अपने इंटेलेक्चुअल और पावरफुल नेता अगर ऐसे चीजों के पीछे रीजन ढूंढ रहे हैं, तो ये तो अपने आप में सबसे शर्मनाक बात है. सबसे पहले इनके हाथ में पावर्स हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ले दे के ये फिर कभी किसी इंडस्ट्री की किसी एक्ट्रेस पे, कभी किसी एड पे, कभी किसी वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं. तो और एड का पर्पस होता है कि लोगों को जो प्रोडक्ट है उसको एनहेंस करना और लोगों को उसका वैल्यू बताना. तो ये एड कॉन्डोम की है और एवरीबॉडी नोज. तो जहां तक ये एड कॉन्डोम का एड है, तो ये अपना पर्पस सॉल्व कर रहा है और लोगों का ध्यान, क्योंकि आज के अपने देश की बात की जाए तो यहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्स इस तरह की चीजें, मतलब लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है. तो कॉन्डोम यूज करना चाहिए, और ये चीजें अगर ये एड लोगों को ये बता रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है. जी, कुछ कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है. शालिनी का ये मानना है कुछ गलत नहीं. रुझान, आपने पास आविश अपनी साथ फिल्म डायरेक्टर मुंबई थी जुड़ाया छे, जे सनी लियोनी ना फिल्म डायरेक्टर छे, ते दिनेश तिवारी. दिनेश जी, आप क्या मानते हैं जिस तरह से अंजान जी ने ये कमेंट किया है, बेतुका बयान दिया है, आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अंजान जी के इस मूर्खतापूर्ण बयान पे मुझे काफी हंसी आई, और इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी जाहिलता भरी उनकी बयान है कि कॉन्डोम के जिसको कि बढ़ावा देना चाहिए, कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, जो कि देश के अच्छे के लिए चीजें हैं. और कॉन्डोम का ऐड अगर हम सनी लियोनी से नहीं कराएं तो क्या राधे मां से कराएंगे या किसी और से कराएंगे, या आसाराम बापू हमारे लिए कॉन्डोम का ऐड करेंगे? तो क्या होता है ना, जिसकी जिसकी जो जगह होती है हम उसी के हिसाब से उसे कास्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि ठीक है अतुल अंजान के कहने से कोई कास्ट हो जाएगा, या अतुल अंजान जो चाहेंगे वही देश में होगा. और ऐसे नेता कभी मुलायम जी उठ कर आकर कहते हैं कि जो ये सामूहिक बलात्कार है वो हो ही नहीं सकता, है ना. और इतने सारे घटनाओं के बावजूद सबसे ज्यादा बड़े शहरों में घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में इतनी घटनाएं हो रही हैं, मुंबई में घटनाएं हो रही हैं, या बिहार यूपी हर जगह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये जो नेता हैं ऐसे जो बेतुका बयान करते हैं, मैं समझता हूँ ये लोग इससे रोकते नहीं है बलात्कार को, ये और बढ़ावा देते हैं जी, ये जी. और प्रचार करते हैं जी. क्योंकि देखिए, इसके अलावा दिनेश जी ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है, हम बोल भी नहीं सकते, औरत के
बारे में जिस तरह से वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं अपने बयान में, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला है कि उल्टी होती है या वॉट एवर जो भी उन्होंने बोला है, हम बोल नहीं सकते ऐसे वर्ड्स उन्होंने बताए। मेरे साथ ये महिला बैठी है, मैं इनकी बात को रोकता हूँ कि इन्होंने कहा कि सनी लियोन इस लायक है इसलिए उससे यार कराई जा रही है। अब वो महिलाओं की बात आप क्यों महिला खामोश है? पहले भाई साहब महिला क्यों नहीं बोल रही है? भाई साहब मेरी बात सुनिए, उसका काम है। भाई साहब मेरी बात सुनिए पहले। अतुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल यू आर शी इज एंटरटेनर और अतुल रंजन या कोई भी जो कि इतना बेभद्र आज चाहे हमारे इसी देश में चाहे कॉलगर्ल हो चाहे वैश्या हो चाहे कोई भी हो, मैं नहीं समझता किसी को भी औरत का वैश्या से कॉलगर्ल से अपनी और जगह क्या क्या संस्कारित उसके अंदर यार चला पाएंगे? नहीं, सरकार उसके लिए व्यवस्था कर रही है। आज अंजाम के समर्थन में नहीं हूँ आज, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। आज आप क्या कहना चाहते हैं? सांस्कृतिक, आप खुद सनी लियोन को कह रहे हैं। आज जो हम इस सांस्कृतिक देश में बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी सारी गलत कामें हो रही हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, ये नेता उसके लिए संघर्ष करते, ये नेता क्यों करते हैं? इनको सिर्फ सनी लियोन दिखती है, एक मिनट, मैं वही एक मिनट आप सुनो। अपने कुछ टाइम पहले रणवीर कपूर के रणवीर सिंह, आई थिंक रणवीर सिंह, उसने ऐड की थी कंडोम की, लेकिन वो ऐड इतनी चली नहीं और किसी ने उसको बोला भी नहीं, क्योंकि उसको रणवीर कपूर था, वो लड़का रणवीर सिंह था, वो लड़का था जी, बरोबर है। ये सनी लियोन है, इसीलिए ये सब जो सोकॉल भाई लोग और सोकॉल नेता लोग उस चीज का विरोध है। रणवीर सिंह क्या महिला, एक मिनट एक मिनट अशोक जी, रणवीर सिंह की एड के लिए कोई नेता ने नहीं उठा लोग करेगी, जो कोई सेक्स करेगी ना रेप करेगी, रणवीर सिंह की एड के लिए तो मैं किसी नेता के समर्थन में नहीं हूँ। मैं सिर्फ महिलाओं को जो सिर्फ उपभोक्ता की चीज बनाया जा रहा है, जैसा आपने कहा कि स्प्रे, तो क्या स्प्रे के अंदर स्प्रे के एड के लिए क्या स्प्रे छाटने से 10 लड़की आपको चिपक जाएगी, क्या कूद के चोट जाएगी, क्या महिलाओं का स्प्रे से अपमान होना चाहिए? महिलाओं का अपमान नहीं है, हमारी सिर्फ ऐसी एडो से हमारी ऐसी एड महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को नीचा दिखाने वाली या महिलाओं सिर्फ उपभोक्ता की वस्तु ऐसे बताने वाली ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप सही हो, मनोज तिवारी के उस निवेदन से भी हूँ कि जैसे कि मनोज तिवारी ने आज कहा स्वागत करते हैं आपके समर्थन में आपने ऐसा कहीं लिखा है, एक्सेप्ट इस तरह आप जो बोलते हो, आपकी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमर्स 6 रस्ते के ऊपर और BRTS रोड के ऊपर आज से 10 साल पहले बड़े बड़े कटआउट लगे थे और बस स्टैंडों के ऊपर कॉन्डम केयर थी, कॉर्पोरेशन के अंदर हमने विरोध करके उसको रुकवाया, वो सब पोस्ट आता है हमारे लगातार उसके विरोध होते रहे। आप एक चिट्ठी लिखे, आप चिट्ठी लिखे, हम रोड के ऊपर सम्मान के लिए, महिला की इज्जत के लिए, समर्थन के लिए हमेशा साथ में। स्प्रे वाली एड के लिए चले आपको, अभी चले आप मेरे साथ, हम लोग 10 बिलबोर्ड्स देखते हैं अहमदाबाद में। जी अभी 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 यहीं से खड़े होके मैं आपके साथ चल रहा हूँ, अभी अभी आपके साथ जो बयान दिया शालिनी, कुछ बोलना चाहते हैं सम्मान और इज्जत के लिए हम हमेशा तैयार है। आप जनसंख्या घटाने की बात करते हैं जी, आप जनसंख्या घटाने की बात करते हैं और आप कहते हैं आप समाज में क्या घर घर जाके कॉन्डम बांटने वाले नहीं, उसको रोकने के लिए और आप सनी लियोन की बात करते हैं तो सनी लियोन को हमारी जनता बहुत प्रगतिशील है
और हमारी देश की जनता सनी लियोन को एक्सेप्ट कर चुकी है एज एन एक्ट्रेस, उसकी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, लोग देखते हैं और देखते तो आप क्या घर घर जाके कॉन्डम बांटेंगे? सनी लियोन से जब देश की जनता को प्रॉब्लम नहीं है तो अनजान जी इस पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? उनको कमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए। आज के हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर खाली अनजान की बात है तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर महिलाओं के लिए बात है तो हमारा कहना है महिलाओं को बहुत सारी चीजों में सुरक्षा की जरूरत है, उस पे अंजान जी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? अंजान जी कंडम के एड पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये नेता बलात्कार जब होते हैं मासूम बच्चों से बलात्कार होते हैं प्रोफेशन ने असली भावना बेन जी संध्या बेन हाँ खास तो आखी बात आ लोग अशोक भाई ने बधा आडे पाटे चढ़ावे छे एवं न चाली सके તમે બળાત્કારના જે આંકડા છે જે નેશનલ ક્રાઇમ બ્યુરોએ બહાર પાડેલા છે એમાં સૌથી વધારે બળાત્કાર 33,707 કેસમાંથી 46% બળાત્કાર એ 18-30 વર્ષની સ્ત્રીઓ ઉપર થયેલા છે એ આંકડા ઉપર આપણે જોઈએ તો 14 વર્ષથી નીચેની દીકરીઓ પણ બળાત્કાર થાય છે એમાં હું શાલિનીબેન સાથે સંમત છું કારણ કે જે જાગૃતતા હોવી જોઈએ એ દીકરીને ખબર નથી 18-30 વર્ષની બહેનો ઉપર 46% છે જ્યારે 30-50 વર્ષની બહેનો ઉપર લગભગ 13% જેટલો બળાત્કાર 50 વર્ષની ઉંમરની સ્ત્રીઓ ઉપર લગભગ 0.7 એટલે બહુ ઓછા ટકાવારી છે બળાત્કારની આ શું સૂચવે છે જી જી 14-18 વર્ષની દીકરી 18-35 વર્ષની દીકરી એના ઉપર બળાત્કાર વધારે છે ત્યારે આવા સ્ટેટમેન્ટોથી બળાત્કાર ઘટાડી નહીં શકાય જાહેરમાં આવા નિવેદનો કરી અને સ્ત્રીઓને તમે લાંછન વગર એવી વાત નહીં કરો આ એડ લોકોને પ્રોવોક કરે છે પણ જ્યાં સુધી પ્રોવોકિંગની વાત હોય કે લોકો ચેતનામાં નથી રહેતા આવા એડ જોઈને પ્રોવોક થાય છે તો એવા એ બહુ બધી વસ્તુઓ છે લાઈક શરાબ ઓર ગુટકા ઇસ તરહ કી ચીઝો સે ભી લોગો કા દિમાગ વો અપને સેન્સસ મે નહીં રહેતે तो ऐसी चीजों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए आपकी बात से हम सहमत हैं ऐसी सभी चीजों पे प्रतिबंध लगाना चाहिए इसका लगातार विरोध होता रहा है अशोक भाई इसका लगातार विरोध होता है शिवसेना की ओर से हमेशा इस तरह की चीजों का विरोध हुआ है जी उसका विरोध होता है तो लेकिन कॉन्डोम जैसे एड का विरोध करना क्योंकि एड का नहीं हमारे उस तरह की बात नहीं है बात ये है कि जो लगातार 24 घंटे सभी जगह क्योंकि घर घर में टेलीविजन है जी 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 बीजू कोई ऑप्शन ना हो सके कदाच अपनी पास आ बिग डिबेट ने आगे शू परंतु अत्यारे समय थी गये एक नानकड़ा ब्रेक नो ब्रेक बाद